PMCH Ryan Surgical Block TV Ward पटना बिहार। आप देख सकते हैं यह जो है सर्जरी विभाग में जो रोगी आए हैं अपना इलाज कराने के लिए वहाँ का दृश्य दिख रहा है। यहाँ एक रोगी हैं जिनका अभी हाल में ही सर्जरी हुआ एक पैर का, दोबारा उन्हें यहाँ PMCH में कराना पड़ा रहा है। इससे पहले वो एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ अपने पैर का सर्जरी करवाए थे। इस रोगी का नाम है श्री संजय कुमार पटेल। संजय जी, आप यहाँ कब आए? यहाँ पे आया आज तारीख कितने तारीख है? आज 15 है। आज 15 है ना, तो हम आए यहाँ के लिए 8 तारीख को हम आए। ऑपरेशन कब? 11 से ऑपरेशन हो गया, 12 को हुआ। 12 का ऑपरेशन हुआ। तो बताइए आपका कैसे, ये पैर में जो आपका एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ, कुछ थोड़ा डिटेल बताइए। जैसा कि 11 मार्च को ग्रहणी मशीन हम चला रहे थे, उस दरमियान मेरे हाथ से छूट गया और पैर के जाके गिर गया, पैर कट गया। पैर कट गया तो हम बगल में नर्सिंग होम है डॉक्टर सहजानंद जी, उसी में हम भर्ती थे। वो मेरा इलाज किए लेकिन सही नहीं किए, सही नहीं किए। हम बोले कि टेंडम कट गया, टेंडम को छोड़ दिए और वो ऊपर से टाका दे दिए। दवा खत्म होने के बाद भी मेरा परेशानी बना रहा तो हम PMCH का सहारा लिए। मोटा पैसा मांग रहे थे, इतना पैसा मेरे पास नहीं था, तो हम सरकारी अस्पताल PMCH पहुँचे। यहाँ मेरा ऑपरेशन हो चुका है। कब ऑपरेशन? ऑपरेशन उसका हुआ, ये हो गया 15 तारीख से 3 दिन पहले, 12 को हुआ। 12-13 तारीख का ऑपरेशन हो गया मेरा। अभी तक बेड पर हम पड़े हुए हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण समय पर दवा नहीं ला पाते हैं, पैसे की बहुत दिक्कत है। घर में बच्चा सब अकेले है, वाइफ मेरे साथ रहती है मेरी सेवा में, तो बच्चा सब वहाँ अकेले रहता है। अब कहाँ के निवासी? हम भूतनाथ रोड में रहते हैं, HIG हाउसिंग बोर्ड का HIG AMIG ब्लॉक में रहते हैं। तो वहाँ बच्चा को भी स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। आपका ऑपरेशन किसने किया, किस डॉक्टर ने? यहाँ डॉक्टर विश्वेंद्र कुमार सिन्हा किए हैं। यहाँ की सेवा से आप खुश हैं? हाँ, सेवा अभी फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नर्सें समय पर दवा देती है, डॉक्टर भी राउंड में आते रहते हैं। दवा वगैरह सारा यहाँ से मिला या खरीदना पड़ा बाजार से? दवा वगैरह करीब करीब मिल गया, कुछ बाहर से खरीदना पड़ा। कुछ बाजार से? हाँ, कुछ कुछ जो दवा अवेलेबल नहीं बाहर से। दवा खोजने में परेशानी भी हुई? नहीं, दवा खोजने पर बगल में जो है सिटी गोईनिता रोड है, वहाँ सारी दवा मिल गया आसानी से, कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो है आपका व्यवसाय क्या? मेरा व्यवसाय जो है सो ग्रिल का है, जो मेरे नहीं रहने पर काम बंद है, बंद है। और जो मार्केट में बकाया है कुछ कुछ पैसा आ रहा है, कुछ नहीं दे रहे हैं लोग। अभी क्या समस्या है? अभी समस्या है कि मेरा ज़्यादा पैसा फंसा हुआ कौन कंपनी में, कौन का सेवा करीब हम आज से 8-10 साल पहले से कर रहे हैं। जो भी उसको जोर ज़्यादा गिल बना के देते थे, लास्ट अब कोई 1.5 साल पहले उसको हम बिल दे चुके हैं। तो बिल का पेमेंट करीब होगा 5 लाख से ऊपर, लेकिन 1.5 साल से लोग आज तक हिसाब नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, कभी साहब नहीं है, कभी मैनेजर नहीं है, कब तक अभी तक नहीं हुआ। फ़ोन से हमेशा बात हो रही है कि पैसा भिजवाते हैं आपके इलाज के लिए, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं अभी तक, न मेरा हिसाब हुआ न पेमेंट कर रहा है। लिखित बिल आपने दिया है? लिखित बिल दिया हुआ है, 1.5 साल पहले दिया हुआ। किनको दिया है आपने? दिया है जो वहाँ के कंपनी के मैनेजर हैं। क्या उनका शुभ नाम हुआ? उनका नाम है नंदकिशोर प्रसाद। नंदकिशोर प्रसाद, हाँ। तो उनके MD हैं मिस्टर अमर आनंद, बिल दिया हुआ है। तो पेमेंट वो क्यों नहीं कर रहे हैं? पेमेंट ऐसे जो अब क्यों नहीं कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि पैसा भी नहीं आ रहा है तो देंगे। मतलब टहला रहे हैं? टहला रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। हाँ, बहानेबाजी कर रहे हैं, टहला रहे हैं, यानी कि पैसा नहीं है।
इसलिए कि उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पटना में है, नागेश्वर बिहार में काम किया, स्नेह प्लाजा काम किए, उसके बाद विराट कॉम्प्लेक्स में किए, वहीं पर ऑफिस भी उनका है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उनका था बीना बिहार जगदेव पथ में, वो भी काम कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग हैंड ओवर हो गया। अब उनको पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा इतने हम लोग को नहीं मिला, पैसे की हमको बहुत सब जरूरत है। अभी यहाँ जो है आपको सुबह में या हॉस्पिटल में क्या क्या मिलता है, नाश्ता में खाना भी मिलता है क्या? खाना नहीं मिलता, नाश्ता मिलता, नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। क्या क्या मिलता है? उनको बड़ा ब्रेड दे देते हैं, केला मिल जाता है, सेब है, अंडा है, दूध है। एक पेशेंट को खाने से भी ज़्यादा मिलता है, मतलब कि वो सुबह में नाश्ता मिलता है, खाना नहीं मिलता? खाना नहीं मिलता, रात में भी नहीं? नहीं, रात में नहीं, नाश्ता मिलता है। आपकी सेवा के लिए यहाँ कौन है, कोई है क्या? मेरी पत्नी यहाँ पर। जी नमस्ते जी। नमस्ते। आपकी क्या समस्या? अभी आपके पति देव तो बीमार हैं। अभी तो बहुत बीमार है, बहुत मुश्किल में पड़ रहा है, समझिए जैसे तैसे भी रह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ऐसा वो काम हुआ तो पैसा नहीं दे रहे हैं, वहाँ पैसा फसल है, बाल बच्चा सब हो रहा है, घर सब तो जोर से बोलो तो कुछ करते नहीं है कि हाँ हम जॉब कर रहे हैं, चलो भाई ये पढ़ा लेता हमारा से आ रहा है, यहाँ तो सारा बोझ ही नहीं पड़ सा, यही गिर इतना इतना मजबूरी अलग कि वहाँ पर करवाए तो वहाँ ठीक हुआ, तो फिर यहाँ दोबारा आना नहीं पड़ता है कि नहीं? तो वहाँ डॉक्टर ने इलाज अच्छा नहीं किया, इलाज अच्छा नहीं किया, वहाँ इलाज करनी पड़ती दोबारा यहाँ। आपको पता नहीं था कि वहाँ? पता नहीं ना था, कोई बताया भी नहीं, कोई बता भी नहीं कि हर जगह डॉक्टर है। हम लोग वहाँ लेके चले गए, हमको जाने से पहले मैंने लेबर मिस्त्री पहुँचा दिया, कटा था उसको भी नहीं पता था कि ज़्यादा कट गया है, और ओकरों में थी नस कट गया, और नस की ज्वाइंट किया नहीं, दोबारा गए तो वो कहने लगा कि 16,000 रुपया लेंगे, 16,000 रुपया हम कमाई कर लें, कहाँ से ला के दें, कहाँ से ला के दें, कमाई खाए चाहे बच्चा को देखे चाहे 16,000 रुपये उसको भाग, एक तो 12,000 रुपये 14,000 दे दिए, कुछ नहीं किया, छोड़ा भी नहीं, पैर नहीं, नहीं भाई 1 रुपया नहीं छोड़ा था, पैर चल नहीं रहा था, तो दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा एक महीने के बाद। हाँ, एक महीना हो गया, उसके बाद दोबारा यहाँ। वहाँ प्लास्टर काटने का भी पैसा लिया क्या? नहीं, प्लास्टर काटने का प्लास्टर वहीं करवाए थे, प्लास्टर कटाई सब चीज़ वहीं हुआ था। अभी आपका घर कैसे चल रहा है? अभी कैसे चलेगा, गरीब गुजारा जैसे कैसे चल रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, हाँ कुछ कर ले रहे हैं, दुकानदार तो राशन भी नहीं देता होगा, कैसे देगा राशन दुकानदार, दुकानदार हमको चिंता है, पैसा लेके तब ही ना देख भाई कर्जा लेके। और बच्चों का जो है स्कूल में फी भी मांग रहा होगा, तंग करता होगा फी के लिए, सही है सब, सब कर्जा ले लेके सब है, सब कर्जा लेके ऐसी है। इन लोग का फी स्कूल में बाकी है, सब फीस बाकी है, जितना बुक लिए हैं सब फीस बाकी है, 50 रुपये देना है। तो तुम लोग को स्कूल में फ़ी के लिए भी तंग करता है? नहीं कर रहा, मेरे पापा को के पास कार वैसे हो गया तो सर उतना फोर्स नहीं कर रहा, पैसा मिल लेंगे बाद में लेंगे, बोले कितना देर इतना भी प्रॉब्लम है तो कहाँ से देंगे। स्कूल का फी, स्कूल का फी उसके लिए सब नहीं कुछ बोल रहा, लेकिन बकाया है ना, अभी तो काम ठप है, जो फैक्ट्री है गिरगिल वाला उसमें काम नहीं हो रहा है, जिनके यहाँ पैसा बकाया वो भी दे नहीं रहा है, तो समस्या तो बरकरार है, समस्या तो बढ़ेगा ही ना, ज़्यादा है ना, बढ़ आपको जैसे दवा भी खरीदनी पड़ रही होगी, तो दवा भी तो उधार नहीं देता होगा कोई, कैसे उधार दे देगा? नहीं ना, नहीं ले लो के ले रहे हैं, से लिए वो बहाने से, वो बहाने से। आप उतना दूर से भगत ये भूतनाथ रोड से आती हैं तो उसमें भी तो आपको खर्च होता होगा भाड़ा, तो बस से आता एक दिन के बाद रोज रोज आने में भी परेशान, रात में आपको जगना भी पड़ता है, जगना भी पड़ता है, इनको रात में भी दवा खिलाना पड़ता है, सुबह दो ही समय, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है इनको, अभी कितना दिन बोला है डॉक्टर रहने के लिए आपको? 25 तक रहना है।
तो आप अपनी समस्या को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगी? हाँ। क्या कहना चाहेंगी आप? मेरे पास इतना समस्या है, पैसा जहाँ फंसा हुआ नहीं। क्या बोलना चाह रहे थे? चाह रहे हैं कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जो हम काम कर चुके हैं उसका पेमेंट करवा देंगे तो हमको आर्थिक मदद मिल जाएगी, उसे अपना परिवार को अच्छा से हम पढ़ाए, अपना इलाज करवा लें, परिवार के भरण पोषण करेंगे, स्कूल का बकाया हो गया उसको देंगे, किराया बाकी हो गया उसको क्लियर करेंगे, कौन सी कौन कंपनी में जो काम करके करीब 5 लाख रुपये बाकी है वो हमको दिलवाने हैं सर, मदद करें उसके लिए। एक ही बार चाहिए? हाँ, एक मुश्त चाहिए, उसके लिए हम सरकार का बहुत पूरा परिवार आभारी रहेंगे। आज ये परिवार जो है श्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, उनसे अपील कर रहा है कि उनकी समस्या को सुना जाए और जिनके यहाँ इनका पैसा बकाया है लगभग 5 लाख रुपए, उस कंपनी से इन्हें तत्काल रुपए दिलवाया जाए ताकि इनका परिवार जो है उजड़ने से बच जाए और इनका इनके परिवार का बगिया जो खिला हुआ है वो खिलता मुस्कुराता रहे। धन्यवाद।